एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार निकाय चुनाव से जुड़ी हरेक अपडेट लगातार मिलती रहे। बिहार में शहरी निकायों यानी नगर निगम परिषद और नगर पंचायत के चुनाव दिसंबर महीने में हो सकते हैं, और यह दावा राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कर दिया है। अति पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट दे देगा। बिहार में नगर निकाय चुनाव आरक्षण संबंधित मसले पर सरकार की अधूरी तैयारी की वजह से टालना पड़ा। पटना हाईकोर्ट ने नियमों की अनदेखी का हवाला देते हुए सुधार करने के बाद ही चुनाव कराने का आदेश दिया, तो प्रक्रिया को बीच में स्थगित करना पड़ गया था। अब सभी के मन में यह सवाल है कि शहरी निकाय के चुनाव आखिर कब होंगे। दीपावली और छठ पर्व के दौरान भी पिछड़ा वर्ग आयोग अपना सर्वे करता रहा। इस बीच नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव के मसले पर बिहार सरकार के ऊर्जा एवं योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कुछ संकेत दिए हैं, और बताया गया कि अति पिछड़ा आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने वाला है। ये भी बताया गया कि दीपावली एवं छठ जैसे पर्व के बावजूद आयोग जो है लगभग एक दर्जन जिलों का भ्रमण कर चुका है। राजनीतिक स्थिति के आकलन के बाद मिलेगा आरक्षण। दरअसल कोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करने के बाद ही आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाए। इसी काम के लिए बिहार सरकार ने विशेष आयोग बनाया है। दरअसल ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के बाद आरक्षण देने का निर्देश दिया था। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि दिसंबर में चुनाव हो सकता है। ऊर्जा मंत्री से जब यह पूछा गया कि क्या दिसंबर में निकाय चुनाव संभव है, इस पर उन्होंने कहा कि हो सकता है। संकेत दिया कि सरकार चुनाव को जल्द कराने के लिए प्रयत्नशील है और 2022 में चुनाव करवा लिया जाए, ये सरकार का प्रयास है। अगर रिपोर्ट इस महीने मिल जाती है तो दिसंबर या जनवरी तक चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था से काम चल रहा है। नगर निकाय में पिछले चुनाव के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पहले पूरा हो चुका है और वहाँ पर व्यवस्था वैकल्पिक आधार पर चलाई जा रही है। इसमें अफसरों को हाथ में शक्तियाँ भी दी गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार मिलती रहे।